व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज सुबह सुबह ही ना एक बड़ी दिक्कत पेश आई है। सुबह नाश्ता करके जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा और अपने गोप्रो कैमरे से मैंने मेमोरी कार्ड निकाल के डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश की, जैसे मैंने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में खोला डेटा शो नहीं करता। जब आप फोल्डर खोलते हैं ना तो फोल्डर एम्प्टी का ऑप्शन आता है। मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देके कोशिश की रिकवर करने की, मुझसे नहीं हुआ। तो अभी चलता हूँ मार्केट, किसी एक्सपर्ट को दिखाता हूँ, अगर डेटा रिकवर हुआ तो ठीक, अदरवाइज ये डेटा भी चला जाएगा। बड़ी मायूसी होती है बाज़ दफ़ा जब ये सिचुएशन आती है। आप इतनी मेहनत करके व्लॉग शूट करते हो और एट द एंड अगर आपका डेटा करप्ट होता है तो बड़ी मायूसी होती है। और एट द एंड एक चीज़ मैंने सीखी है कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आप भी दुआ करें कि मेरा डेटा रिकवर हो और व्लॉग आप तक पहुँच सके। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए अपने लॉन में आया ना, तो मुझे देख के अरजान पीछे पीछे मेरे पास आया, जाओ तुम नाश्ता करो, तुम जाके नाश्ता करो, मैं मार्केट जाके आता हूँ। शाबाश, ये देखो अरजान कितना प्यारा बच्चा है। किधर जा रहे हो? मैं समझ रहा था कि ये रूम में जाएगा, ये बजाय रूम में जाने के ये सीधे दरवाजे की तरफ जा रहा है। इससे आप अंदाजा करें कि ये मेरे साथ आना चाहता है। ये आप पीछे देखो, पहली दफा आज रागापोशी पीक का एक फुल फ्लेज नज़ारा देखने को मिल रहा है, और कमाल का नज़ारा है पीक का। डीडर के साथ ना ये लगा हुआ है, डेटा हाइड किया सर, फोल्डर एम्प्टी दिखाता है। श्योर हमारा डेटा रिकवर नहीं हो सका और कल वाली मेहनत भी ज़ाया गई। सिर्फ इस व्लॉग की बात नहीं है, ईद के दिनों में मैंने 3 बड़े अहम व्लॉग शूट किए थे नदीम भाई के साथ, वो सारा डेटा भी करप्ट हो गया और आज वाला व्लॉग का डेटा भी करप्ट हो गया। आपको पता है ना कि एक व्लॉग शूट करने में कितना टाइम लगता है, अगर एट द एंड पूरा डेटा ही करप्ट हो, मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो तो दिल टूट जाता है। अब समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि ये हमारे GoPro कैमरे में मसला है या मेमोरी कार्ड में मसला है, ये इशू कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी मेमोरी कार्ड है ना, उसमें भी यही इशू था, उसको मैंने निकाल के नई मेमोरी कार्ड डाली, उसमें भी यही इशू आया। अगर आप में से किसी को आइडिया है तो मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मार्केट से कुछ सब्जी ली और अभी मैं निकला हूँ घर की तरफ, लेकिन जानी है आज मेरा दिल ही नहीं करता है व्लॉग शूट करने का। अभी मैं अपने ड्रोन कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल के GoPro में डाल के व्लॉग बना रहा हूँ। आप पता नहीं इस मेमोरी कार्ड के साथ क्या होगा। किधर है पता नहीं। अरजान, अरजान क्या कर रहे हो इधर अकेले हैं? अब ये देखो, दोनों कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठा है, क्या हिसाब किताब करना है अरजान? एक चीज में लेके आया हूँ, ये देखिए, एक नया माउस मैंने खरीदा है, ब्लूटूथ वाले एक नई माउस मैंने खरीदी है। मेरा जो माउस है ना पुराना वाला, वो खराब हो चुका था। हुआ ये चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये तो आपके काम की नहीं है अरजान, ये आपके काम की नहीं है। ये ले लो, ये प्राणी वाली ले लो, ये ले लो। अभी देखो हंसने लगा, ठीक है। अभी इसका पुराने वाला माउस का ये डोंगल मुझे निकालना पड़ेगा। USB पोर्ट्स की ना काफ़ी मुझे ज़रूरत पड़ती है,
तो पुराने माउस में ये दिक्कत थी कि ये डोंगल एक यूएसबी पोर्ट की जगह ले रहा था, बाकी सिर्फ एक बचता था, जबकि मुझे दो तीन ड्राइव लगाते वक्त काफ़ी दिक्कत पेश हो रही थी। अब पुराने वाले को संभाल के रखेंगे। आजकल हमारी सब्जियों को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, दिन को धूप की शिद्दत इतनी बढ़ती है कि ये जल्दी से सूख जाते हैं। वैसे बाहर बाहर नदी पे पानी ना कभी कभी आता है, बारी पे हमें पानी मिलता है। उसके अलावा सब्जियों को जब पानी की ज़रूरत हो ना तो ये नल वाला पानी हम अपनी सब्जी को देते हैं पाइप के ज़रिए से। आज सुबह से पानी नहीं है नल में, वैसे तो दिन में 3-4 घंटे पानी आता है रेगुलर बेस पे, लेकिन आज सुबह से नहीं है पानी। इसीलिए हमने दो टैंकियाँ अपने घर के सहन में रखी हैं। ये देखिए, ये बड़ी वाली टैंकी है और एक ये छोटी टैंकी है। तो जब दिन में पानी आता है ना तो हम दोनों टैंकियाँ भर के रखते हैं और आराम से ये 8 से 10 दिनों तक चल जाता है। अरजान किधर आए? चलो चलो, धूप आ रही है, चलो वापस चलो, चल चलो चलो चलो, उठो, धूप है नीचे, धूप है, धूप है, चलो। काफी गर्मी है बाहर। हमारे हिसाब से गर्मी है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बाहर का मौसम है। अब ये देखें, दोपहर के 12 बज गए, पता ही नहीं चला, टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है। सुबह से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का, लेकिन चूंकि आपको डेली डेली व्लॉग तो मैंने देना है, इसलिए ज़बरदस्ती मैंने व्लॉग शूट किया आज सुबह से अब तक। मेरे कार्ड के साथ जो इशू है ना, उस बाबत अगर आप में से किसी को पता है, मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए ताकि मैं अपने काम को जारी रख सकूँ। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होपफुली नए व्लॉग में हम आपसे मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।